Mohammed Zitla. Basically, I'm from Delhi and I'm working in the Dubai. Okay, I just watched a video on the YouTube of Dr. Amit. Okay, so just I know about the gynecomastia. तो मुझे पहले फील होता था कि कुछ ग्लैंड्स है बट ये मुझे मालूम नहीं था कि क्या बीमारी है क्या चीज़ है ये. तो मैं काफ़ी जिम वम किया वर्कआउट किया तो स्लिम भी हो गया था बट ये चेस्ट जो है वो ज़्यादा था. तो इससे फिर मैंने वीडियो जो देखा तो इसमें मुझे पता चला कि गायनेकोमास्टिया है ग्लैंड है इसके लिए मैं सर्जरी के लिए यहाँ दिल्ली और कल मेरी सर्जरी है. तो अभी तो हमारा कल सर्जरी है. अभी जो जो चेस्ट है हमारा यहाँ पे सूजन है या ग्लैंड है जिस तरह से बाकी कल देखते हैं आफ्टर सर्जरी क्या रिजल्ट है इसका किस तरह से लुक आता है क्या आता है फिर कल देखते हैं फिर कल उस हिसाब से बताते हैं. हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग. आज हम लोग गायनेकोमास्टिया की सर्जरी स्टार्ट करने वाले हैं. उससे पहले दो मिनट मैं अपने पेशेंट के साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि आज वो दिल्ली के बाहर से रहते हुए भी दिल्ली क्यों आए और क्या उनको मजबूर किया गया कि वो आके सर्जरी करें. सो सबसे पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो किस चीज की सर्जरी कर रहे हैं. सर गायनेकोमास्टिया की सर्जरी हो रही है हमारी और बेसिकली मतलब जो गायनेकोमास्टिया है इसके वजह से बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता है टी शर्ट पहनने में या शर्ट पहनने में या जब वेट लूज भी कर लेते हैं ना ये ज्यादा दिखने लगता है. जब वेट है तो कम फील होता है लगता है लोगों को मोटा है इस वजह से उसका राइट. जब वेट मैंने एक दफे 30 केजी ड्रॉप कर लिया था अपना 90 केजी से 60 केजी पर गया बट ये बहुत ज्यादा फील होने लगा right. तो उस वक्त मैं ग्रेजुएशन में था right. तो मुझे पता नहीं चला. मैं इलाज कराया होम्योपैथ के डॉक्टर के पास गया इलाज तो होम्योपैथी से कोई फर्क नहीं पड़ा. कुछ फर्क नहीं पड़ा. अप्रोक्सीमेट 1 ईयर मैंने कलकत्ता से इलाज कराया. अगर कोई पेशेंट ये बोले कि हम होम्योपैथी करना चाहते हैं तो आप क्या बोलोगे. सर मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा. उनको मिल गया तो उनको मिल गया उनकी गुड किस्मत. आपने वेट लॉस किया आपकी गायनेकोमास्टिया प्रॉब्लम ठीक हुई कि नहीं. नहीं गायनेकोमास्टिया प्रॉब्लम ठीक नहीं. मेरे ट्रेनर के मोहम्मद तुम्हारा तो सब चीज ठीक हो गया. मतलब पेट कम हो गया 90 से 60 के जी बहुत ज्यादा 30 के जी मैंने बहुत ज्यादा वेट कम कर लिया बट ये चेस्ट में कम नहीं हुआ. फिर मैं सिर्फ और फील. तो अगर कोई पेशेंट ये बोलते हैं कि हम जिम जाके कम कर लेंगे आप क्या बोलोगे. चेस्ट फैट कम हो सकता है गायनेकोमास्टिया कैसे. और चेस्ट फैट भी पूरा तो नहीं जा सकता जब तक आप इतना मैसिव वेट लॉस नहीं करो. हाँ बहुत ज्यादा 30 के जी अगर नॉर्मली 30 के जी कोई कर नहीं सकता. नॉर्मली 2-4-5 किलो करते हैं लोग उसमें चेस्ट फैट भी कम होगा क्या. नहीं उसमें कम नहीं होगा. नहीं होगा. सो एज अ पेशेंट समझिए पेशेंट कह रहे हैं कि 2-4-5 किलो जो आप और मैं रूटीनली लूज कर सकते हैं उसे चेस्ट फैट भी कम नहीं होगा और गायनेकोमास्टिया जैसी चीज तो 30 kg के बाद भी कम नहीं हुई. सो होम्योपैथी नहीं करनी है और जिम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. तीसरी चीज आपने सुनी पेशेंट का कॉन्फिडेंस टूट रहा था गायनेकोमास्टिया के होते और इसी वजह से आप सर्जरी कर रहे हैं. बिल्कुल इसी वजह से. तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आज की सर्जरी के बाद गायनेकोमास्टिया पूरी तरह से बिल्कुल गायब हो जाएगा. ये एक्सपेक्ट करके सर आपके पास है. एंड आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा उससे. एक सेल्फ मोटिवेशन आएगा आप मतलब कि वेट लॉस करके एक स्मार्ट दिख सकते हैं अपना बॉडी सही कर सकते हैं जिम कर सकते हैं शेप में चेस्ट आ जाएगा आपका तो लाइफ नॉर्मल हो जाएगी. आपको ये फील नहीं होना कि हाँ कौन सा. एक तरह से सर्जरी के बाद आपको लग रहा है कि एक नया स्टार्ट हो जाएगा. परफेक्ट. सो फ्रेंड्स अगर आप भी नया स्टार्ट चाहते हैं गायनेकोमास्टिया से परेशान है तो अब सर्जरी का टाइम आ गया है. बाकी चीजों पे टाइम और पैसे मत वेस्ट कीजिए. अपने सिटी में जहां पे आप हैं वहां पे आप किसी प्लास्टिक सर्जन से मिलके उनसे असेसमेंट करके अपना ट्रीटमेंट प्लान कीजिए. मेरा नाम डॉक्टर अमित है. मैं दिल्ली में लोकेटेड हूं. अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो मेरे ऑफिस के नंबर्स पे आप बात करके मुझसे मिल सकते हैं या वीडियो कॉल पे भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं. सर्जरी हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं. पेशेंट से भी डिस्कशन भी हुई थी कि वो क्यों सर्जरी करना चाहते हैं. नेक्स्ट 1 आवर में हम उनके गायनेकोमास्टिया को परमानेंटली ठीक कर देंगे एंड कल सुबह जब पेशेंट अपनी बैंडेजिंग ले आएंगे तब उनका फीडबैक भी आपको दिखाएंगे. सो देखते रहिए. कि आप लोग देख रहे हैं सर्जरी से पहले हमने बताया था कि कल हमारी सर्जरी होने वाली है
तो सर्जरी हमारी कल हो गई है, अभी बैंडेज रिमूव हुआ है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है। पेन हल्का हल्का सा है बट ये बर्दाश्त कर सकते, इसमें कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं पेन है कि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आराम से मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, होटल से भी यहाँ आया हूँ, फिर अभी बैंडेज रिमूव हुआ, कोई इशू नहीं है। दर्द उर्द जो है वो हल्का सा है, तो 4-5 दिन में ये भी बता रहे हैं कि खत्म हो जाएगा और बाकी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, कोई भी पेन नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं।